हेलो, कौन? सारा, मैं शिवानी। अरे शिवानी, अपना नंबर ही चेंज करती रहती हो। पता है मैंने तुम्हें मिलान इटली से कितना कॉल किया पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। कैसी हो तुम? सारा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आज 15 दिन बाद हॉस्पिटल से मैं घर आई हूँ। फ्रैक्चर और इंटरनल इंजरीज है अभी। तुम्हें थैंक्स करना था मुझे। हाँ, पूरे टाइम हॉस्पिटल में तुमने जो पेरेंटल केयर की है वो मैं वाकई कभी नहीं भूलूंगी। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। यू आर माई स्ट्रेंथ। ओ माई गॉड, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? आऊंगी मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने। और सुनो, ये बातें अपने पास रखो। कोई एहसान नहीं किया मैंने। इसी बहाने तुम्हारे पास रहने और तुम्हें और समझने का मौका मिला है। जानती हो तुम्हें फोन क्यों कर रही थी? एक दो तुम्हारे प्रोग्राम दिल्ली और पुणे में है और फिर यूरोप ट्रिप में भी साथ चलना है मेरे। अपनी पूरी तैयारी कर लो, बेड रेस्ट का पूरा फायदा उठाओ। राइट एज मच एज यू कैन। देखना तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और कलेक्शंस भी रेडी हो जाएगी। मिलती हूँ तुमसे जल्दी ही। और हाँ, अब नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ओके? ये कहते हुए उसने फोन रख दिया। शिवानी मुस्कुराने लगी। कुछ दिन कंप्लीट रेस्ट करने के बाद शिवानी भी कागज कलम लेकर अपने लफ्जों को उन पर उतारने लगी। जिंदगी, रिश्ते, वक्त, रात, चांद, तन्हाई, इंतजार, बेबसी और भी ना जाने कितने टॉपिक्स पर लिखना शुरू कर दिया। डायरी पे डायरी भरती चली गई, किताबें भी पब्लिश के लिए दे दी गई और 2 महीने बाद प्लास्टर भी उतर गया। अब शिवानी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सीरी फोर्ट में शिवानी का पहला प्रोग्राम था। जैसे स्टेज पर चढ़ी शिवानी, उसकी नज़रें सामने उन्हीं सीट पर गई जहां करीब 1 साल पहले राहिल के साथ बैठकर उसने म्यूजिकल नाइट देखी थी। रख लो ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना, टूटा ही नहीं है कब से। वो उसके राहिल से आखिरी मुलाकात थी। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शिवानी ने बोलना शुरू किया। रात की दीवार पर बैठा है एक चकोर, प्रेम से निहारता एक टक चांद को, आंखें है कि हटती नहीं, पलक भी झपकती नहीं, चाहता है एक बार चांद का दीदार हो, जी भर के उससे बात हो, प्रेम का इजहार हो, प्रेम की पीड़ा मगर चांद ना समझ सका, रात से सुबह तलक सफर तय करता रहा, सूर्य की लालिमा से चांद उछल हो गया, निहारता उस चांद को वो चकोर सो गया। उसने इश्क की परिभाषा पूछी, उसने इश्क की परिभाषा पूछी, हमने कहा तुम, उसने पूछा वो कौन है जो दूर रहकर भी तुम्हारे करीब है, हमने कहा तुम। फिर क्या था, जितने भी लोग वहां बैठे थे सभी ने फरमाइशें करना शुरू कर दी और 2 घंटे ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला। शो कामयाब रहा।
सारा ने कहा, शिवानी वेल डन, लाजवाब परफॉर्मेंस थी। ये कामयाबी शिवानी राहिल के साथ शेयर करना चाहती थी, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसी तरह मुंबई, पुणे, बेंगलोर और फिर शिमला शिवानी के प्रोग्राम होते रहे। शिवानी उन्हीं में बिजी रहने लगी। अब तक शिवानी एक नामी शायरा बन गई थी, लोगों में उसकी पहचान बन गई थी और उसकी फैन लिस्ट में भी बहुत इजाफा हुआ। धन दौलत शोहरत सब कुछ था, मगर फिर भी उसके दिल में एक कमी सी थी। अगले कुछ महीने बाद उसे इंडिया से बाहर परफॉर्मेंस देनी थी, इसीलिए वो उसकी तैयारी में बिजी हो गई। है गुजारिश की रात ढले और मैं खो जाऊं, है गुजारिश की रात ढले और मैं खो जाऊं उन खूबसूरत वादियों में, जहां हो तो सिर्फ ख्वाहिश भी तेरी, ख्याल भी तेरा और ख्वाब भी तेरा।